हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित सक्सेना लेकर आया हूँ फिर से एक नया पाइथन फंक्शन का प्रोग्राम जो आपको पूरा पाइथन के फंक्शन की वर्किंग समझाएगा। ये बेसिक प्रोग्राम है, अगर आप बेसिक प्रोग्राम पर पकड़ बना लेंगे तो आप धीरे धीरे बड़े बड़े प्रोग्राम करते जाएंगे। जिन लोगों ने पाइथन के फंक्शन का ट्यूटोरियल का वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो मेरी वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो पूरा फंक्शन आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, आप पूरे फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पाइथन के फंक्शन को डिफाइन करा है, एक एक छोटी से छोटी चीज़ उस वीडियो में मैंने समाहित करी है। तो चलिए हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम हमारा ये है, आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, प्रोग्राम हमारा ये है कि राइट अ पाइथन फंक्शन प्रोग्राम दैट परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर चॉइस। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हमें क्या काम करना है, इस प्रोग्राम में हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये तीनों चीज़ें करना है, लेकिन यूजर की च्वाइस के हिसाब से। अगर यूजर वन दबाए तो एडिशन परफॉर्म हो, अगर यूजर टू दबाए तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो, अगर यूजर थ्री दबाए तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो। ये हमारे पाइथन का प्रोग्राम है और ध्यान ये रखना है ये फंक्शन के ही द्वारा करना है। मैंने बहुत छोटा सा प्रोग्राम इसलिए लिया ताकि आप लोगों का फंक्शन जो है वो बेसिक कंप्लीट तरीके से समझ में आ जाए। प्रोग्राम एक बार फिर से समझा रहा हूं कि आपको एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना है, वो भी फंक्शन से बनाना है जो एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करे, लेकिन एक बार में एक ही करे। अगर यूजर एडिशन कराना चाहता है तो वो एडिशन कराएगा, मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है तो मल्टीप्लिकेशन कराएगा, सब्ट्रैक्शन करना चाहता है तो सब्ट्रैक्शन कराना चाह रहा है तो सब्ट्रैक्शन करे। जैसे यहां पर ये मैंने प्रोग्राम को रन करा दिया, यहां पर लिखा है डियर यूजर प्लीज एंटर टू नंबर, भाई दो नंबरों के बीच में ही होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। अभी जो मेरा प्रोग्राम है वो केवल मैंने दो के लिए ही बनाया है, तो अब वो पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया मान के चलिए 7। अगला वो कह रहा है एंटर सेकेंड नंबर, मैंने कर दिया 6, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर उसने हमको एक लिस्ट दे दी और उस लिस्ट में वो कह रहा है कि प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब ये यूज़र की चॉइस के हिसाब से रह गया कि वो यूज़र क्या चाहे। अगर मुझे एडिशन करना है तो मैं 1 दबाऊंगा, सब्ट्रैक्शन करना है तो 2 दबाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन करना है तो 3 दबाऊंगा। अब मुझे अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं 2 दबाऊंगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो 3 दबाऊंगा। मुझे मान के चलिए मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं यहाँ पर 3 प्रेस करूँगा, मैंने प्रेस कर दिया 3, अपनी चॉइस मैंने दे दी 3। 3 जैसे ही दी मैंने एंटर मारा, तुरंत 6 7 42 मल्टीप्लिकेशन हमारे सामने आ गई। तो ये हमारे पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन था, रनेबल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन था, रिजल्ट था। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसकी कोडिंग कैसे करें, इस पूरे प्रोग्राम की कैसे कोडिंग करें, कैसे हम इस प्रोग्राम को बनाएं। आई थिंक आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है। और हाँ, अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है, प्रोग्रामिंग के मास्टर बनना है, तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए। आखिर जो हमें प्रॉब्लम दी है, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वो बेसिकली क्वेश्चन है क्या, उसको कैसे परफॉर्म करना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन था, आप समझ गए होंगे कि हमें प्रोग्राम क्या बनाना है। अब हम पहुंचते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो ये हमारा है प्रोग्राम। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या काम करा, फंक्शन के द्वारा बनाना है तो हम 3 फंक्शन बनाएंगे, 3 सेपरेट फंक्शन बनाएंगे। ये ऊपर जो पहली लाइन है प्रिंट वाली, उसमें मैंने प्रोग्राम को लिखा है, प्रोग्राम राइट अ पाइथन फंक्शन प्रोग्राम दैट परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन, वहाँ पे प्रिंट कराने के लिए। ये जो स्लैश एन का इस्तेमाल करा है, ये करा है नई लाइन के लिए, यानी इस वाली लाइन के बाद एक लाइन का गैप आए। ये मैंने बिल्कुल आपको अलग से इसलिए लिख दिया ताकि आप समझ पाएं।
ठीक है, अब मैंने तीन प्रोग्राम, मुझे तीन फंक्शन बनाने हैं अलग अलग। तो मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था कि फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन आप कैसे देंगे? फंक्शन की डेफिनेशन देने के लिए अगर आप इसको यहाँ से कट करके, यहाँ से कट करके अगर आप इसको यहाँ पे लिखें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हमने तीन फंक्शन बनाए और तीनों को डिफाइन करना है। एक मैंने फंक्शन बनाया ऐड नाम का, एक फंक्शन मैंने बनाया सब्ट्रैक्ट नाम का, और एक फंक्शन मैंने बनाया मल्टीप्लाई नाम का। ये मैंने दोस्तों तीन फंक्शन बनाए। ऐड नाम के फंक्शन में मैं इन लोगों को ऐड करा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट नाम के फंक्शन में इन दोनों डिजिटों का सब्ट्रैक्शन करा रहा हूँ, मल्टीप्लाई वाले में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादा हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले DEF डिफाइन, उसके बाद फंक्शन का नाम, मैंने ऐड नाम से फंक्शन लिया है, ऐड नाम का फंक्शन। और ध्यान ये रहे कि जिस नाम से आप फंक्शन ले रहे हैं वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, और आइडेंटिफायर के रूल्स के हिसाब से ही फंक्शन का नाम सेट करें। तो ऐड नाम का मैंने बनाया फंक्शन, इसमें मैं दो पैरीमीटर पास करा रहा हूँ, एक एम और एक एन। ये मैंने पहली वाली वीडियो में क्लियर कर दिया है कि ये पैरीमीटर्स क्या होते हैं, कहाँ से इनकी वैल्यू आएगी। जिन लोगों ने नहीं देखी फटाफट वो पहले देख लें वीडियो। अब मैंने क्या काम करा, टोटल नाम का एक नया वेरिएबल लिया, उसमें इन दोनों को जोड़ दिया, एम और एन को, उसके बाद रिटर्न करा दिया टोटल। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट में मैंने ये चेक करा कि आखिर इन दोनों में बड़ा कौन है। भाई बड़े वाले नंबर में से ही तो छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे चेक करा, अगर एम बड़ा है एन से तो मैंने एम में से एन को सब्ट्रैक्ट कराया, और जो है सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्ट SUV नाम के वेरिएबल में ले लिया और फिर रिटर्न भी करा दिया SUV को। इसी तरीके से अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो ये कोड करेगा एग्जीक्यूशन, अगर ऐसा नहीं है यानी एन बड़ा है तो फिर एन में से एम को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और रिटर्न करा दी इसकी वैल्यू, यानी जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मैंने यहाँ पे इसको रिटर्न करा दी। अब फिर तीसरा नाम का फंक्शन मैंने मल्टीप्लाई का बनाया, इसमें मैंने कुछ नहीं करा, एक मल नाम का, MUL नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें एम और एन की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भेज दी और फिर रिटर्न करा दिया मल्टीप्लाई को। तो दोस्तों यहाँ तक तो थे हमारे पूरे तीनों फंक्शन की डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन फंक्शन की ये रही, ऐड नाम के फंक्शन की डेफिनेशन, दूसरी सब्ट्रैक्ट नाम के फंक्शन की डेफिनेशन, और तीसरी मल्टीप्लाई नाम के फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं मेन में। मेन में आने के बाद सबसे पहले हमने लिखा प्रिंट, यानी प्रोग्राम वाली लाइन, स्लैश एन नई लाइन के लिए यूज़ करा। अब यहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। तो देखो बहुत धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप समझना, इसलिए मैंने यहाँ पे गैप करा है। अगर आप धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप नहीं समझेंगे तो आपको हो सकता है प्रोग्रामिंग अच्छी तरीके से ना आए। हमको ऐसा प्रोग्रामर बनना है कि बस एक बार प्रॉब्लम को एक्सेस कर लें, प्रॉब्लम समझ लें, उसके बाद बहुत जल्दी उसको बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन करें। ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रत्येक प्रॉब्लम को बहुत गंभीरता से समझेंगे कि इसमें हमें करना क्या है। प्रोग्रामिंग में कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्रामिंग में बस केवल बेसिक और सिंटेक्स अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अब साहब हमने प्रिंट करा दिया कि डियर यूजर प्लीज एंटर टू नंबर, देखो स्लैश एन मैंने यहाँ यूज कर लिया लास्ट में, ठीक है, यानी नई लाइन के लिए। तो डियर यूजर प्लीज एंटर टू नंबर, दो नंबर हमने इनपुट कराए, एक नंबर हमने ए में इनपुट कराया और एक नंबर हमने बी में इनपुट कराया, यानी ए और बी में हमारे दोनों नंबर आ जाएंगे। उसके बाद नंबर इनपुट हो गए, अब हमने यहाँ पे क्या काम करा, यहाँ पर हमने प्रिंट के ऑप्शन दे दिया कि साहब यूजर, यूजर साहब, यूजर देवता, अब तुम ये बताओ तुम चाहते क्या हो। एडिशन कराना चाहते हो तो एक दबाना, सब्ट्रैक्शन कराना चाहते हो तो दो दबाना, मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हो तो तीन दबाना। यूजर से हमने पूछ लिया, अब यूजर जो वन या टू या थ्री जो इनपुट करेगा, भैया आप लोग उसको किसी ना किसी एक वेरिएबल में तो स्टोर कराओगे, है ना। पता चला यूजर ने एक दो तीन दबाया और वो किसी कहीं तुम स्टोरी नहीं करा रहे हो, तो उसके लिए मैंने एक चॉइस नाम का वेरिएबल लिया। किस नाम का वेरिएबल? मैंने एक चॉइस नाम का वेरिएबल लिया। चॉइस नाम के वेरिएबल में मैंने कराया इंट इनपुट प्लीज प्रेस द नंबर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मैंने कहा हे यूजर देवता, तुम्हें
जो चाहिए एडिशन चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, उसके हिसाब से अगर जो भी चाहिए उसके हिसाब से आप अपनी डिजिट को प्रेस कर दें। एडिशन चाहिए एक दबा दो भैया, सब्ट्रैक्शन चाहिए दो दबा दो, मल्टीप्लिकेशन चाहिए तीन दबा दो। अब ये जो च्वाइस आएगी एक दो तीन, ये हमारी किस में आ जाएगी? च्वाइस में आ जाएगी। ठीक है, च्वाइस में आ गई। अब साहब हम शुरू करते हैं। अगर इफ का यूज करा, इफ च्वाइस इक्वल इक्वल वन, अगर च्वाइस वन है उसकी, यानी च्वाइस में उसने एक प्रेस करा है, हमने यहां कंपेयर करा लिया, तो इसका मतलब कौन सा प्रोग्राम, सॉरी कौन सा फंक्शन हमें रन कराना है? हमें एडिशन नाम का फंक्शन रन कराना है, यानी एड नाम का फंक्शन रन कराना है, यानी एडिशन कराना है। तो हमने एक नया वेरिएबल और ले लिया रिजल्ट नाम से, रिजल्ट इक्वल टू एड। देखो हमारे फंक्शन का नाम एड ही है ना, ध्यान रखना हमारे फंक्शन का नाम क्या है? एड। तो ये जो एड है वही फंक्शन का नाम हमने नीचे कॉल करा, फंक्शन को वही कॉल करा, रिजल्ट इक्वल टू एड और ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा वी की वैल्यू हमने किस में भेज दी? एम कॉमा एन में भेज दी। यानी ए वाली वैल्यू जो है वो हमारी कहाँ जाएगी? एम में जाएगी, और वी वाली वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी? एन में जाएगी। ए और वी की वैल्यू वॉइड मेन से आपने इनपुट ऑलरेडी करा ली है, इस वाली लाइन से आपने ए और वी की वैल्यू इनपुट करा ली है। यही ए और बी वाली वैल्यू को आप यहां से मूव करा रहे हो। किस में मूव करा रहे हो? आप फंक्शन के अंदर मूव करा रहे हो। अब आपने क्या काम करा, यहां पर रिजल्ट नाम के वेरिएबल में इसको इक्वल करके कर दिया। देखो बच्चों, अब यहां पर आपने रिजल्ट इक्वल टू लिखा है, अगर आपने रिजल्ट इक्वल टू करके आपने फंक्शन को कॉल करा है तो फंक्शन हमेशा रिटर्न करेगा। यहाँ पे आपने क्या लिखा है? यहाँ पे आपने रिटर्न लिखा है ना, क्या लिखा है? रिटर्न लिखा है। अगर आपने यहाँ पे किसी भी वेरिएबल के इक्वल करके आपने कोई भी फंक्शन को कॉल करा है तो फंक्शन मस्ट रिटर्न द वैल्यू, फंक्शन को कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट आप ऐसे कॉल कराते हैं, ऐसे करके कॉल कराते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर प्रिंट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंट टोटल लिखना पड़ेगा, फिर आपको रिटर्न लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी तो फिलहाल जैसा मेरा प्रोग्राम है मैं अपने उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा हूँ। रिजल्ट इक्वल टू एड ए कोमा बी, यानी जो रिजल्ट आएगा इनका, रिजल्ट जो रिटर्न होकर आएगा, रिटर्न क्या आएगा? टोटल, जो ऊपर वाले फंक्शन से जो टोटल आएगा रिटर्न होकर वो किस में जाएगा? वो जाएगा भैया आपका रिजल्ट में। फिर आप यहाँ प्रिंट करा दो एडिशन इक्वल टू रिजल्ट। इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन कराना चाहता है यूजर तो दो दो पाएगा। फिर यहाँ पे च्वाइस आप मैच कर लो, इफ च्वाइस इक्वल इक्वल टू, च्वाइस कैसी है उसकी? टू है, तो फिर वो क्या काम करेगा? तो फिर इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट में ए और बी को भेज दिया, यानी सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन जो हमने बनाया। ध्यान ये रहे कि आपने कौन से नाम का फंक्शन कब बनाया और कैसे बनाया, तो सब्ट्रैक्ट नाम के फंक्शन में ए और वी की वैल्यू भेज दी, और इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट से अगर एम बड़ा होगा, यानी यहाँ से पूरा का पूरा रिजल्ट हमारा रिटर्न होगा, रिटर्न किस में होगा? यानी सब जो है वो रिटर्न होगा, और वो किस में होगा? वो भी यहाँ रिजल्ट में होगा। बेटा ये एक अलग है, ये पोर्शन एक अलग है, इसी तरीके से ये पोर्शन एक अलग है, ये तीनों पोर्शन अलग अलग हैं। आप क्या काम कर रहे हैं? आप एक वेरिएबल में आप किसी की वैल्यू को असाइन करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लाई से वैल्यू असाइन होकर किस में आ जाएगी? रिजल्ट में आ जाएगी। इसी तरीके से आप पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका ये तैयार है। अब मैं एक बार फिर से आपको रन करा के दिखा देता हूँ। रन कराने के बाद मैं आपको प्रिंट वाला भी कर दिखाऊंगा, ठीक है, कि अगर हम रिटर्न ना कराना चाहें तो हम प्रिंट का ऑप्शन कैसे लाएं। पहले इसको रन करा के देख लेता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया, सेव करने के बाद यहाँ पे रन पे गए और रन मॉड्यूल पे गए यहाँ पे। अब जैसे प्रोग्राम ये रहा हमारा ऊपर, पहले डियर यूज़र प्लीज़ एंटर टू नंबर, इस बार मैं करता हूँ फोर, उसके बाद दूसरा नंबर करता हूँ थ्री। अब वो हमसे पूछ रहा है ऐड कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है। हमने कहा भैया हमें तो ऐड कराना है, तो हमें क्या दबा देना है? बन। देखो यहाँ पे हमने क्या दबा दिया? बन दबा दिया। जैसे ही बन दबाया हमारा एडिशन कितना आ गया? सेवन आ गया, क्योंकि फोर और थ्री क्या होते हैं? सेवन। तो ये तो था बच्चों रिटर्न वाला। अब मैं आपको
बताता हूँ कि अगर आपको प्रिंट का ऑप्शन देना है तो आप कैसे देंगे। यहाँ से मैंने बंद कर दिया। प्रिंट का ऑप्शन देने के लिए सबसे पहले तो मुझे एडमैक केवल एक पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। अगर आप एक से सीख जाएंगे तो फिर आप हमेशा ये सब काम करते रहेंगे। यहाँ से एडिशन पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है बच्चों। एडिशन पे करने के लिए मैंने यहाँ से सबसे पहले तो जो रिजल्ट है यहाँ से हटा दिया, ये हटा दिया। देखो ध्यान दिया आप लोगों ने, मैंने क्या काम करा, जो मैंने फंक्शन को जो कॉल करा था ये है आपकी फंक्शन कॉलिंग और ऊपर है आपकी फंक्शन डेफिनेशन। तो जहाँ मैंने फंक्शन को कॉल करा था उसके इक्वल में जो मैंने वेरिएबल लिया था, अब आपको उस इक्वल की वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऊपर फंक्शन में प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ से मैंने हटा दिया, जब वहाँ से हटा दिया तो फिर रिजल्ट तो इसमें कुछ आएगा नहीं, यानी रिजल्ट वाला भी लाइन मुझे यहाँ से हटानी पड़ेगी। अब मैं यहाँ से ये वाली लाइन कट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने जस्ट कॉल कर दिया, अब ऊपर पहुँच गया मैं ऊपर। यहाँ पे अब मुझे रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रिंट का ऑप्शन देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मुझे रिजल्ट नहीं लिखना होगा, प्रिंट में जो एडिशन आया है वो हमारा किस में आया है बच्चों, टोटल में आया है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, जस्ट टोटल, TOTAL, मैंने सेव कर दिया। समझ में आ गया, यानी रिटर्न हमें कब लगाना है, रिटर्न हम तब लगाएंगे जब हम वेरिएबल सॉरी जब हम फंक्शन कॉल करते समय किसी भी वेरिएबल को लेते हैं, ठीक है। देखो अब जैसे ऐड वाला हमने डायरेक्ट लिख दिया, ऐड ए कॉमा वी, यानी ए और वी की वैल्यू कहाँ जाएंगी, ये एम और एन में जाएंगी, ए की वैल्यू एम में जाएगी, वी की वैल्यू एन में जाएगी, और इसमें टोटल हो गया और यहीं फंक्शन के अंदर ही हमने प्रिंट करा दिया, ठीक। अब मैं इसको रन कराता हूँ, रन रन मॉड्यूल, ठीक, एंटर नंबर, सपोज मैंने 12 और 12 भी डाल दिया। अब चॉइस मैंने 1 डाल दी क्योंकि एडिशन कराना है, देख लीजिए यहाँ से आ गया एडिशन 24। आई होप आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। और सुनो, मुझे इस समय आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आप हमें कोई सजेशन भी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप सजेशन डाल दीजिए, जिससे कि हम आपके सजेशन को माने, उसके बाद उसको अप्लाई करें और अपनी वीडियो अच्छे से अच्छे तरीके से और बनाने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। थैंक यू।